काम करते समय पेंटर को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। इंदौर में पेंटर आशीष को काम करने के दौरान घबराहट हुई, वह उठकर पानी पिया, मुंह धोकर लौटा, उसके बाद पेंट के डिब्बे पर बैठ गया, अचानक सीने में दर्द उठा और वह गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई। पूरी घटना नवनिर्मित मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अंधविश्वास के चलते 3 माह की बच्ची को 51 बार दागा गया, हालत हुई गंभीर। अनूपपुर जिले में तारा डांड गांव में दिल दहलाने वाला मामला आया सामने। ऊषा पति मोहन सिंह की 3 माह की बच्ची को न्यूमोनिया था। अंधविश्वास के चलते परिजनों ने बच्ची के 51 बार दगवा दिया और हालत गंभीर होने पर मासूम बच्ची को मेडिकल कॉलेज सैडोल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री अयोध्या में मीरा मांझी के घर गए और उनके परिवारजन से मुलाकात की, साथ ही मीरा मांझी के हाथ बनी चाय भी पिया और मीरा मांझी पीएम उज्ज्वला योजना की 10 करोड़ भी लाभार्थी है। विभागों के बंटवारे पर सीएम मोहन यादव का बयान आया सामने, विभागों के बंटवारे की सूची भोपाल में दे दी है, मंत्रियों को जल्द मिलेगी विभागों की सूचना। ओंकारेश्वर और खास करके खंडवा जिले के आज संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर आया हूँ और नर्मदा जी के किनारे का ये बड़ा अद्वितीय स्थान है। परमात्मा की कृपा से, साधु संतों के भरोसे से हमारे यहाँ आध्यात्मिक चेतना का सदैव प्रवाह बना रहता है। मैं अपने नए सरकार के, नए मंत्रिमंडल के, नए सदस्यों के नाम की सूची देने के बाद सतना पब्लिक स्कूल डाली बाबा ऑटो में 22 बच्चे बैठे हुए, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ऑटो का नंबर भी दिख रहा है सामने, क्या ट्रैफिक पुलिस जल्द खबर का दिखाएगी असर? चलती ट्रेन में महिला को हुई प्रसव पीड़ा, रेडियोलॉजिस्ट ने मैहर स्टेशन में कराई डिलीवरी। जानकारी के अनुसार ट्रेन में अचानक उठी पीड़ा के बाद हॉस्पिटल ले जाने को नहीं मिला समय, जिसके चलते ट्रेन में मौजूद परिजन समेत जानकार लोग ने सफलतापूर्वक कराई महिला की जान डिलीवरी। सूत्रों के अनुसार बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ है। से आरोन जा रही यात्री बस में लगी भीषण आग, हादसे में कई लोग जलकर मरने की आशंका, प्रशासन मौके पर बचाव कार्य कर रही। जिंदा जल रहे बस में बैठे यात्री, बस में सवार थे करीब 30 से 40 यात्री, आग में झुलसने से 7 लोगों की मौत। में आसमान की ओर 3 अलग अलग व्यक्ति पैराग्लाइडर से देखे गए, जानकारी लग रही है कि तीनों पैराग्लाइडर व्यक्ति लोग सोनवारी गांव की ओर ऊपर जाते दिख रहे हैं, ये कौन लोग हैं इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं।